वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एमएस वर्ड में रेफरेंसेस टैब से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सिखाऊंगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड ओपन करेंगे और रेफरेंसेस टैब में हम चलते हैं। रेफरेंसेस टैब में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये आप टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रेंड्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट को या आपके कंटेंट को एक तरह से ओवरव्यू जो होता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी समरी प्रोवाइड करता है ये पूरे आपके कंटेंट की। जैसे आप बुक्स में देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट पेज पे आपके इंडेक्स बना होता है जिसमें आपके चैप्टर वाइज नॉलेज होती है कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आपके किस पेज पर रेफर कर रहा है। तो उस पर आप उस पेज को देखते हैं फर्स्ट पेज पर, और उस पेज पर आप पहुंच जाते हैं थ्रू टेबल ऑफ कंटेंट्स, या इंडेक्स हम इसे कह सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए मैंने कुछ रैंड कमांड से पैराग्राफ्स लिए हैं। देखिए जैसे कि ये शो हो रहे हैं, और इसमें कुछ मैंने हेडिंग्स दिए हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसर 1, और इसी का एक मैंने सब हेडिंग दिया है डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग 1.1, एंड इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बेनिफिट्स ऑफ वर्ड 1.2, और सेकंड हेडिंग मैंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 2। इस टैब से आपके कोई भी हेडिंग्स हो तो वो आप दे सकते हैं। इसमें आपके कंटेंट को हेडिंग देना है पहले, जैसे बुक्स में आपके दिए होते हैं सेम वैसे ही। ये देखिए ये 4th तक आपको शो होंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3.1, एंड ऐसे ही 4th हेडिंग भी है नीचे। तो इसमें हम पहले फर्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है, और हम इसमें पहले होम टैब में जाएंगे और इन हेडिंग्स की हम डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज करेंगे। इसकी स्टाइलिंग को हमें चेंज करना होता है पहले। तो होम टैब पे हम जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे हम हेडिंग 1 को, और इसे हम हेडिंग 1 से हेडिंग 1 ये स्टाइलिंग हम चेंज कर देंगे इसकी। हम सेकंड पे बढ़ते हैं अब, डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग 1.1, इसे हम देंगे हेडिंग 2। ये देखिए, क्योंकि इसका एक तरह से सब हेडिंग है ये, और बेनिफिट ऑफ वर्ड 1.2 इसको भी हम सब हेडिंग दे देंगे। ये देखिए, और इस तरह से नीचे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 2 हेडिंग 1, बेनिफिट्स ऑफ वीडियो 2.1, अब इसको भी हम हेडिंग 2 दे देंगे। नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3, इसको हम हेडिंग 1 दे देंगे। सेव टाइम इन वर्ड, इसको हेडिंग 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 4, इसको हम हेडिंग 1 दे देंगे। लास्ट डिज़ाइन टैब 4.1, इसको हम हेडिंग 2 नेम दे देंगे। अब हम जाएंगे कंट्रोल प्लस होम से फर्स्ट पेज पे। ओके, अब हम जाएंगे रेफरेंसेस टैब पे। रेफरेंसेस टैब पे अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। सो टेबल ऑफ कंटेंट हम इस पे क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर जाकर पहले एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराएंगे इसमें। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पेज का कंटेंट था वो सेकंड पेज पे शिफ्ट हो चुका है, और एक ब्लैंक पेज जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर से हम रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे, और रेफरेंसेस टैब पे जाके हम क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं। बिल्ट इन ऑटोमेटिक टेबल 1, आप टेबल 1 में से ऑटोमेटिक बना सकते हैं जैसे कि इसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं, या फिर ऑटोमेटिक टेबल 2 टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें कंटेंट्स लिखा आएगा ऊपर और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स। और नेक्स्ट है मैनुअल टेबल, आप मैनुअली इसको इंडेक्स को या टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी
बना सकते हैं। तो मैं ऑटोमेटिक बनाना चाहती हूँ अभी, तो मैं ऑटोमेटिक टेबल टू, टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स सिलेक्ट करते ही ये एक इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो चुका है। देखिए इसमें वर्ड प्रोसेसर 1 सेकंड नंबर पेज पे है और इसके सब टाइटल्स जो हैं डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग 1.1 सेकंड पेज पे, बेनिफिट्स ऑफ वर्ड 1.2, ठीक जैसे बुक्स का इंडेक्स होता है वैसे ही ये शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 2 फोर्थ पेज, इसके पेज नंबर भी साथ साथ इसमें शो हो रहे हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ शो हो रही है, जैसे कि करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, एक लिंक क्रिएट हो चुका है टेबल ऑफ कंटेंट का उस लिखे हुए कंटेंट से। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगी तो ये वहां पे आपको पहुंचा देगा। देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक, ये देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया ये वर्ड प्रोसेसर 1 यहाँ पे इसने एक लिंक क्रिएट करा था, इसने कंटेंट पर पहुंचा दिया है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 2 इस पे ये फॉलो करेंगे, देखिए ये इस कंटेंट पर पहुंच चुका है इस इंडेक्स से। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com, इसमें इंटरनेट के थ्रू आप मोर टेबल्स कंटेंट, मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। एंड कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट में से रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिमूव पर क्लिक कर दिया, देखिए ये हट चुका है। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगी तो ये फिर से आ जाएगा। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं और अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हेडिंग 1, 2, 3 ये शो रहे हैं और नंबर्स शो रहे हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि शो पेज नंबर्स, आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर शो करना चाहते हैं तो इसे टिक करेंगे, अदरवाइज अनचेक करेंगे तो देखिए ये पेज नंबर जो है वो इंडेक्स में से हट चुके हैं। हम इसे दिखाना चाहते हैं तो लगा देंगे। राइट अलाइन पेज नंबर्स, जैसे कि आप राइट अलाइन नहीं चाहते हैं अपने पेज नंबर्स की, देखिए ये जो है वो आपके हेडिंग के बहुत क्लोज आ चुके हैं पेज नंबर, तो इस टाइप से हो जाएंगे, चेक करेंगे तो फिर से आ जाएंगे। टैब लीडर, टैब लीडर ये जो आपको डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, डॉटेड शो हो रहे हैं, इसको टैब लीडर कहते हैं। आप इसको नन करेंगे तो टैब लीडर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में से हट जाएंगे, या फिर आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए ये लाइनिंग्स का शो हो रहा है, अभी मैं इसमें डॉटेड वाला ले लूँगी फिर से तो ये आ जाएगा। फॉर्मेट्स फ्रॉम टेम्पलेट, आप फॉर्मेट्स भी इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, क्लासिक डिस्टिंक्टिव फैंसी मॉडर्न। लेवल्स आपको अभी 3 शो हो रहे हैं, इसमें आप लेवल्स भी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए 4 लेवल्स 5 लेवल्स, देखिए आप लेवल्स इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। और अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, ये देखिए मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आप टेबल ऑफ कंटेंट 1 को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम मॉडिफाई पे जाएंगे, नेम इसका TOC1 है। एंड फॉर्मेटिंग में आप जैसे कि अभी कैलिबरी बॉडी है ये, इसको चेंज करना चाहते हैं एरियल ब्लैक में करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, और इसका साइज मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ 12 पे, साइज इंक्रीज हो गया। अब इसको मैं ओके करा दूंगी यहाँ से, और यहाँ से भी हम इसे ओके करा देंगे। ये देखिए हेडिंग 1 चेंज हो चुका है और इसे अब यहाँ पे ओके करा देंगे। रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट ये पूछ रहा है तो इसे हम यस करा देंगे। ये देखिए ये रिप्लेस होके इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, जितने भी हमारे टेबल जो हेडिंग 1 थे, हेडिंग्स जो थे जैसे हमने हेडिंग 1 का नाम दिया था, वो चेंज हो चुके हैं, उसकी फॉर्मेटिंग बदल चुकी है। तो इस टाइप से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपडेट टेबल, रिफ्रेश द टेबल ऑफ कंटेंट सो ऑल एंट्रीज रेफर टू द करेक्ट पेज नंबर। आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, यानी आप अपने कंटेंट में कुछ ऐड कराना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए हम नीचे चलेंगे, ये देखिए हम एरो की से नीचे जा रहे हैं इसमें, ये देखिए अब हम इसमें इक्वल रैंड कमांड से कुछ पैराग्राफ एंटर कराएंगे।
जैसे कि मैंने 20 पैराग्राफ एंटर कराया, इसमें इसको एंटर करा दिया। अब हम इसको एक नया हेडिंग देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको मैं हेडिंग दे देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 5। मैंने हेडिंग दे दिया और अब नीचे एरो पे गए हम, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और इसको मैंने हेडिंग दिया बेनिफिट्स ऑफ आउटलुक 5.1। ये मैंने हेडिंग दे दिया। अब इसकी स्टाइल भी हम होम टैब पे जाके चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम होम टैब पे जाएंगे और इसको नेम देंगे हम हेडिंग 1। ये देखिए ब्लू में शो हो रहा है। और बेनिफिट्स ऑफ आउटलुक 5.1 को हम नेम देंगे हेडिंग 2। ओके, तो ये हमने तो कंटेंट कुछ ऐड किया है इसमें। अब हम कंट्रोल प्लस होम की से फर्स्ट पेज पे जाएंगे और अपडेट टेबल का जो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर आप रेफरेंसेस टैब पे जाके भी अपडेट टेबल करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगी तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वर्ड इज़ अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये मांग रहा है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। तो आप ओनली पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या एंटायर टेबल को अपडेट करना चाहते हैं? तो अभी हम एंटायर टेबल को अपडेट करना चाहते हैं क्योंकि हमने कुछ कंटेंट ऐड कराया है इसमें। तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसे ओके करा दूँगी। देखिए तो इसमें नीचे कंटेंट ऐड करते ही और अपडेट टेबल पे मैंने लिया है ऑप्शन। तो देखिए एमएस आउटलुक 5 और बेनिफिट्स ऑफ आउटलुक 5.1। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें ऐड हो चुका है। तो इस टाइप से आप अपडेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें एक और ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का, इंक्लूड द करंट हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अब करंट हेडिंग को अपने इंक्लूड करना चाहते हैं ऐड टेक्स्ट, तो आप कर सकते हैं। अब ये डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप इसको लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 आप इसको ऐड करा सकते हैं, जिससे आप फिर से आए तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको डू नॉट शो रहने देते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये टेबल ऑफ कंटेंट, एक कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जो मुझे मोटिवेट करती हैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ क्रिएट करने में।